मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए और उसके साथ ही उन्होंने अखिलेश पर कई बड़े आरोप लगाए। मुलायम सिंह यादव किस ताड़ू अब आ गए हैं ये बताइए, पहले अपर्णा यादव आ गई थी, कल आज आप आ गए, क्यों आ गए बीजेपी में, क्या हो गया? बीजेपी की नीतियां जो मानने प्रधानमंत्री जी ने 370 धारा को समाप्त किया है, राष्ट्रवादी लोग सारे लोग प्रभावित हैं, हम उन्हें उनकी नीतियों को पसंद किया, इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। परिवार को एक नहीं रख पा रहे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव बार बार ही सवाल हो रहा है। जब तक माननीय मुलायम सिंह जी रहे उन्होंने परिवार को एक रखा, अखिलेश के आने के बाद उनके परिवार में बहुत सी बातें ऐसी मैं कहना नहीं चाहता। आज सारे लोग नाराज हैं, लगभग माननीय अध्यक्ष जी खड़े हैं, अगर अनुमोदन 20 सपा के विधायक आज ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें। नाराजगी क्यों हो गई? टिकट नहीं दे रहे थे, परिवार में बात नहीं है, नाराजगी क्यों हो गई? टिकट का सवाल नहीं, नीतियों का सवाल है। उन्होंने समाजदारी विचारधारा के लोगों को किनारे कर दिया, साठकारों को अपने आसपास बैठा लिया। अखिलेश यादव कह रहे कि मुलायम सिंह यादव ने कोशिश की थी अपर्णा को समझाने की, आपसे बात की क्या? अखिलेश यादव को समझाने की मुलायम सिंह जी ने बात की, अखिलेश जी क्यों नहीं माने? मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश जी क्यों नहीं माने? उन्होंने बहुत कहा, जब मैं सन 45 साल से सन 80 से माननीय मुलायम सिंह जी के साथ हूं, कभी भी हमने उनके विरोध में बात नहीं सुनी। क्या कारण है अखिलेश जी ने हम लोग अपमानित करना चालू कर दिया? इतना से विधायक है, वहीं से चुनाव लड़ेंगे या पार्टी जहां कहीं कहां से लड़ेंगे? हमारा चुनाव लड़ने कोई इरादा नहीं है, पार्टी अगर लड़ाती है तो जंग जबरदस्त होगी।